हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डबल लेयर का बहुत ही टेस्टी बटर स्कॉच केक रेसिपी। ये 1.5 kg का केक है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 स्पॉन्ज तैयार किए हैं, 1.5 kg का है, 1/2 kg का। तो सबसे पहले हम छोटा वाला तैयार करेंगे। हमें इसके 3 लेयर्स कट करने हैं। अगर आपको स्पंज की रेसिपी भी देखनी है तो मेरे चैनल में आप जाकर देख सकते हैं, इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है। तो अभी हमें यहाँ पर ये बटर पेपर है ना, इसे पूरा नहीं निकालना है, थोड़ा थोड़ा करके निकालना है, जिससे कि हमारी टॉप की लेयर थोड़ा सा हमको उठाने में सहायता मिलेगी। तो ये देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा सा इसे निकाल दिया है। अब इसके हमें बिल्कुल थिन लेयर करनी है, पतली पतली। तो आप चाहें तो 2 लेयर का भी इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 लेयर्स का कट करूँगी। तो इसे थोड़ा थोड़ा आप किनारे से पहले कट करें, इसके बाद आप बीच में कट करें। आप चाहें तो इसे थ्रेड से भी कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा स्पॉन्ज जो है बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसे पूरा ही कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें इसकी 3 जो लेयर है वो पूरी ही कट कर लेनी है। तो ये देखिए, बहुत ही स्पंजी जालीदार हमारा स्पंज बना है। अब हम सेम प्रोसेस से हमारी दूसरी लेयर भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से कट करें, बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं। ये देखिए, हमारी तीनों लेयर कट के तैयार हो चुकी हैं। तीनों ही लेयर हमारी कट हो चुकी हैं। तो हमने सबसे पहले बीच वाली लेयर रखी है। आप इसे सीधे बोर्ड में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डबल लेयर का बना रहे हैं, इसलिए पहले हम छोटा वाला तैयार करेंगे और इसके बाद बड़ा वाला। तो यहाँ पर मैंने शुगर सिरप बनाया है गुनगुने पानी में। 1 tablespoon हमने चीनी डाल दी है। तो हम इसे अच्छी तरह से सभी तरफ स्प्रिंकल कर देंगे। शुगर सिरप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारा केक बहुत ही स्पंजी बनेगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें सभी तरफ शुगर सिरप लगा दिया है। और अब हम लगाएंगे यहाँ पर ये बटर स्कॉच क्रीम। तो यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम में बटर स्कॉच एसेंस और कलर ऐड कर दिया है। और इसे हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने 1 cup से 1.5 cup के लगभग क्रीम ली थी। इसे अच्छी तरह से फेंट कर आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज में। इसके बाद हमारी इस तरह से क्रीम बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लेना है। तीनों ही लेयर में हमें अच्छी तरह से कोट कर देना है। तो सभी तरफ हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो क्रीम हमारी लग गई है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर बटर स्कॉच क्रश और इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर स्कॉच क्रंच। और अब हमने हमारी दूसरी लेयर भी रख दी है। सेम प्रोसेस से हम सभी में क्रीम लगाएंगे, फिर इसके बाद हम क्रश लगाएंगे और इसके बाद हम बटर स्कॉच क्रंच लगाएंगे। और तीनों ही लेयर को हम अच्छी तरह से इस तरह से क्रीम लगा कर कोटेड कर देंगे। ये देखिए, इसके ऊपर भी हमने लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर तीसरी लेयर रखेंगे। तो अब हमने यहाँ पर बटर पेपर निकाल दिया है। तो इसके ऊपर हम केवल व्हिप क्रीम करके इसे क्रम कोटिंग करके और रख देंगे सेट होने के लिए फ्रिज में। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा ना, तो डबल लेयर करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब हम इसे क्रीम से अच्छी तरह से कोट करके इसे फिनिशिंग दे देंगे और इसे हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। जल्दी जल्दी इसमें बिल्कुल भी लेयर ना करें, नहीं तो क्या होगा ना कि हमारा केक बैठ जाएगा अगर हम इसको सेट करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो पहले आप दोनों को अलग अलग सेट कर लें, फ्रिज में रख दें, जिससे कि वो अच्छा ठंडा हो जाए, सेट हो जाए, और उसके बाद ही हमें कोट ऊपर करना है। नहीं तो क्या होगा ना कि केक हमारा बैठ जाएगा या फिर टूट भी सकता है। तो ये देखिए, हमने इसे बिल्कुल रेडी कर दिया है। केवल अब इस केक में हमको फिनिशिंग या फिर जो भी डेकोरेशन करना वो बचा है। तो अब हमने इस केक को रख दिया है सेट होने के लिए। इसी तरह से हम हमारा दूसरा केक भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा ये जो 1 kg का केक है उस हिसाब से है ये। तो इसमें भी हम शुगर सिरप लगाएंगे, हमारी क्रीम लगाएंगे और बटर स्कॉच क्रंच लगाएंगे, क्रश लगाएंगे और सेम प्रोसेस से हम इस केक को भी बनाकर तैयार कर लेंगे।
आपको मेरे चैनल में बहुत सारी केक की अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिलेंगी। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं एवरीडे कोई ना कोई रेसिपीज लेकर आती ही रहती हूँ अच्छी से अच्छी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें। तो ये देखिए हमारी ये फाइनल लेयर है, इसको भी हम अच्छी तरह से क्रम कोटिंग कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर ढेर सारी क्रीम लगा दी है। इतने केक को सजाने में 1.5 कप के लगभग हमारी क्रीम लग गई है। तो क्रीम आप जितनी चाहें उतनी लगा सकते हैं, 2 कप के लगभग भी आप क्रीम फेंट सकते हैं, क्योंकि क्रीम साइज में बिल्कुल डबल हो जाती है, तो वेस्टेज ना हो इस हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से सेट कर दिया है, इसमें भी हम फिनिशिंग दे देंगे। क्रीम एकदम चिल्ड होनी चाहिए, व्हिप्ड होनी चाहिए। केक का जो स्पंज है वो भी चिल्ड होना चाहिए। गर्मा गर्म केक को कभी भी व्हिप ना करें और ना ही उसमें क्रीम लगाएं, नहीं तो हमारा जो केक है वो मेल्ट हो जाएगा। तो केक भी ठंडा कर लें, क्रीम भी ठंडी होनी चाहिए, और ठंडे मौसम में ही इसे हमें बनाना, मतलब जहाँ ठंडा प्लेस हो वहाँ आप बनाएं, तो केक आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। और वैसे भी अभी मानसून चल रहे हैं तो अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी आप ठंडे प्लेस में ही इसे डेकोरेट करें। तो ये देखिए हमने इसे फिनिशिंग दे दी है, इसे भी रख देंगे हम फ्रिज में सेट होने के लिए। तो दोनों ही लेयर हमने सेट कर दी है। अब यहाँ पर मैंने बनाई है आइसिंग, तो इसमें मैंने बटर स्कॉच एसेंस और कलर दोनों ही ऐड करके इस तरह से हमने इसे देखिए साइड से हमें इसको ड्रिजल कर देना है। तो केक में मैं बहुत ज़्यादा हैवी ना तो फ्लावर दे रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा इसमें कोई हम क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल और इजी से बनने वाला ये हमारा बटर स्कॉच केक है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में आपने देखा ही है बहुत ही इजी है। तो सभी तरफ आप ड्रिजल कर दें, आप चाहें तो ये पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं, लेकिन पाइपिंग बैग से कभी कभी ना कहीं कहीं ज़्यादा कहीं कहीं कम हो जाता है, इसलिए मैं स्पून से ही कर रही हूँ। तो यदि आप भी बिगनर हैं और आपको भी बनाने में डर लगता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। अब हम इसमें लगाएंगे हमारा बटर स्कॉच क्रंच। तो ये जो क्रंच है ना इस केक में इसकी जान है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये देखिए, और अगर आपको भी बटर स्कॉच क्रंच या फिर इसका सॉस या फिर इसकी आइसिंग सीखनी है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर दे दूँगी। तो सभी तरफ आप लगा दें इस तरह से बटर स्कॉच क्रंच। साइड में भी हम इसी तरह से लगा देंगे, ये देखिए सभी तरफ हम इसी तरह से लगा देंगे। तो सभी तरफ हमने ये देखिए बटर स्कॉच क्रंच भी लगा दिया है। आप चाहें तो इसमें फ्लावर भी डेकोरेट दे सकते हैं, आपको अगर स्प्रिंकलर डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर दे देना है। आप इस तरह से केक एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, आपके घर के जो भी बाहर के केक आते हैं वो आने टोटली बंद हो जाएंगे। तो ये देखिए सभी में मैंने फ्लावर बना दिया है। अब हम इसमें लगा देंगे चेरी, आप यहाँ पर चॉकलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सभी में हम चेरीज लगा देंगे। तो केक हमारा डन हो गया है। केक को बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दें जिससे कि अच्छी तरह से ठंडा ठंडा हो जाए। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी 1.5 kg का डबल लेयर से बना हुआ बटर स्कॉच केक। इस रेसिपी को आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।